पर नहीं पड़ेगा। कई साल पुरानी बात है, चित्रकूट में कथा हो रही थी। श्री पंजाबी भगवान कथा के श्रोता थे, जानकी कुंड पर बहुत अच्छे महापुरुष थे, संत थे। श्री पंजाबी भगवान पंजाब का शरीर था उनका, विप्रकुल का शरीर था, पंजाब का था। बड़े सुंदर थे, पहले बचपन में राम जी बनते थे तो संतों में ही नाम पड़ गया उनका पंजाबी भगवान। फिर महात्मा हो गए तो पंजाबी भगवान ही नाम रहा आया। उनका नाम तो श्री रामचंद्रदास जी था। बड़े भजनानंदी अनुष्ठानी महात्मा थे। चित्रकूट धाम में विराजते थे, जानकी कुंड पर। अद्भुत निष्ठा थी उनकी। सत्संग में हमने देखा, दो समय कथा होती थी, 9 दिन की कथा हुई थी। तो कथा शुरू होने के आधा घंटे पहले आकर वो बैठ जाते थे। ऐसे बैठते थे, खूब बड़ी आयु थी, पर ऐसे बैठते थे जैसे कोई पाषाण की प्रतिमा विराजमान कर दी गई हो। ऐसे ध्यानस्थ होकर के स्मरण करते थे। तो वहां कथा हो रही थी तो सरसैया पर पड़े पितामह भीष्म भगवान का चिंतन कर रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा हो रही थी कि बताओ, शरीर में आर पार बाण विधे हुए हैं और वो भगवान का चिंतन कर रहे हैं। हम लोग इतनी सुविधा में भगवान का चिंतन नहीं करते। अब वो इतने आर पार बाण विधे हुए हैं, उनका एक क्षण के लिए भी भगवान का चिंतन नहीं छूट रहा है। इसका मतलब है भीतर से आनंद मिल गया उनको, इसलिए बाहर के बाण उनको पीड़ा नहीं पहुंचा रहे हैं। तो एक महात्मा हमसे बोले कथा के बाद, बोले ऐसे ही एक महात्मा का हम आपको दर्शन कराएं। हमने कहा कराओ। बोले थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा आपको। हम भी चलेंगे। उस समय तो खूब चलने का उत्साह भी था, फुर्ती भी थी। तो वो हमको पहाड़ का कोई रास्ता नहीं ले गए, जंगल में, और मंदाकिनी का किनारा था। एक महात्मा बैठे थे। महाराज जी, ठंड का समय, और महात्मा ऐसी खुले में, उनके मुख पे भी थोड़ी सूजन थी, पैर पे भी। एक पुराना सा कम्बल पड़ा था और कोई सेवक कुछ नहीं, छाया ही नहीं थी। ऐसे बैठे थे। ऐसी शरीर की सामर्थ्य भी नहीं थी कि वो उतर के गंगा जी चले जाएं, स्नान करके आ जाएं। शरीर देख के लगता था। हमने प्रणाम किया उनको, महात्मा को। तो सत्संग की ही चर्चा उन्होंने की, कोई व्यवहार की एक शब्द में भी कोई चर्चा उन्होंने नहीं की। और हमने कहा महाराज जी किसी चीज़ की आवश्यकता है। तो हंसकर बोले संत दर्शन की और सत्संग की आवश्यकता थी, सो आपके आने से पूरी हो गई और अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत आनंद है। 3 बार कहा, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। अब फिर बोले अब आप पधारो। ये और बोले कि इतनी दूर से चल के आए हैं, ऊंचे नीचे चढ़ के आए हैं, तो थोड़ी देर तो बैठने देते। हाँ महाराज, थोड़ी सत्संग की चर्चा। हाँ आप पधारो। तो लोगों ने बताया, उन संत ने बताया कि महाराज लोग यहाँ भी आ जाते हैं इनका दर्शन करने। तो कोई कंबल उठा के उड़ा रहा है और कोई जंगली आया कंबल उठा के ले गया। तो उड़ाने वाले को भी नहीं देखते कि उड़ा रहा है, और उतार के ले जाने वाले को भी नहीं देखते कि उतार के ले जा रहा है। कोई भेंट चढ़ा रहा है तो कोई भेंट उठा के ले जा रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है तो कोई फल उठा के ले जा रहा है। न चढ़ाने वाले के प्रति उनको राग है, न उठाने वाले के प्रति उनको द्वेष है। यहीं जो कुछ मिल जाता पा लेते हैं और सदा प्रसन्न रहते हैं। बाद में हम गए तो बोले वो संत का भगवत धाम प्रयाण हो गया। ये है गोस्वामी जी ने कहा, फिरत स्नेह, फिरत स्नेह मगन सुख अपने। यहाँ स्वामी जी मगन सुख अपने, पराये सुख में मगन नहीं है। फिरत सने मगन सुख अपने नाम प्रसाद। सोच नहीं सपने नाम प्रसाद, सोच नहीं सपने। हमने देखा है महात्माओं की स्थिति को, मृत्यु के क्षण में शरीर में कैसी पीड़ा होती होगी। जन्मत मरत दुसह दुख हुई। और हमने ऐसे महात्माओं को देखा है, मृत्यु के पूर्व क्षण में उनसे पूछा गया, कहा बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, कष्ट है किस चीज़ का? बोले एक बात का कष्ट है, आप जैसे महात्मा भजन साधन छोड़कर इस नासवान शरीर का की चिंता करते हुए यहाँ तक आ गए, इस बात का कष्ट है। आप अपना साधन करो, हमें कोई कष्ट नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की बात, हमें कोई कष्ट नहीं। अंतिम क्षण तक एक जैसा आनंद बना रहे, उस आनंद में खलल न पड़े, दखल न पड़े, विक्षेप न आवे, इसकी इच्छा हो तो आनंद घन भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और आनंद घन भगवान की शरण ग्रहण हो जाएगी तो फिर दुख कष्ट छू नहीं सकेगा, आएगा भी तो वो सुख बन जाएगा। जिसमें श्रद्धेय भाई जी शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे, बोला भी नहीं जाता था बीमारी के कारण, और उस काल में भी उन्होंने पद रत्नाकर में ऐसे ऐसे दिव्य पद लिखे हैं कि जिसके भीतर देह की पीड़ा का अनुसंधान होगा वो कभी इस प्रकार की भगवत लीला के पद लिख नहीं सकता है। ये है विदेह मुक्ति, देह के रहते हुए मुक्ति, देह में भाव ही नहीं। यही है सच्चिदानंद रूपता की प्राप्ति, और इसके लिए हमें सच्चिदानंद भगवान की शरण लेनी चाहिए।